साल 2022 का आगाज फेमस डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज के साथ होने जा रहा है। थर्सडे के दिन फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए भंसाली ने इस फिल्म को 6 जनवरी 2022 को रिलीज करने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ही अगले साल का पहला महीना ही कम से कम 3 मेगा बजट फिल्मों के घमासान का मैदान बन गया है। प्रभास की फिल्म राधेश्याम 14 जनवरी को और अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज 21 जनवरी को रिलीज होना पहले से ही तय है। ऐसे में साल 2022 का पहला महीना एंटरटेनमेंट से भरा होने वाला है। बात करें गंगूबाई काठियावाड़ी की तो ये फिल्म आलिया भट्ट के लिए उनके करियर की सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म होने वाली है। वहीं 13 साल तक इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के मैनेजर और कोच रहे सैयद अब्दुल रहीम की बायोपिक की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। तमाम दिक्कतों और मुसीबतों के बाद अजय देवगन की फिल्म मैदान अब पूरी होने के करीब है। इस फिल्म के बारे में थर्सडे को ऐलान कर दिया गया है कि ये फिल्म अगले साल 3 जून को सिनेमाघरों में रिलीज की जानी है। पहले इस फिल्म को सीधे ओटीटी पर रिलीज करने की अफवाहें भी हाल के दिनों में खूब उड़ी थी, लेकिन मजेदार बात यहाँ ये है कि अजय देवगन के डायरेक्शन में बनी फिल्म मेडे इसके ठीक एक हफ्ते पहले यानी कि 29 अप्रैल को रिलीज की तैयारी कर रही है। बात करें फिल्म मैदान की तो इस फिल्म में फुटबॉल कोच अब्दुल रहीम का किरदार अजय देवगन निभा रहे हैं, जो 1950 से लेकर 1963 तक राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मैनेजर भी रहे। वहीं मेडे के बारे में बात करें तो मेडे एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ खुद अजय देवगन भी नजर आएंगे। इस फिल्म का डायरेक्शन भी खुद अजय देवगन ही कर रहे हैं। वहीं इस फिल्म की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है। वैसे साल 2022 के लिए कई हिंदी फिल्मों की रिलीज डेट का ऐलान हो चुका है। 14 जनवरी 2022 को आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, 25 फरवरी 2022 को जयेश भाई जोरदार, 4 मार्च 2022 को बच्चन पांडे, 18 मार्च 2022 को शमशेरा और 25 मार्च 2022 को भूल भुलैया 2 जैसी फिल्में भी रिलीज को तैयार हैं।